हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं टेक व्लॉग मंत्रा मेरे साथ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी का बर्थडे वगैरह विश करना चाहते हैं कि भाई आपको अगर बर्थडे वगैरह या फिर कोई एनिवर्सरी डेट या स्पेसिफिक कोई डेट जो है वो आपको याद नहीं रहती किसी को मैसेज करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपको आज नहीं दो दिन बाद भेजना, और आपको अगर ना याद रहे तो आप रिमाइंडर के तौर पर वो आज के दिन ही उसको शेड्यूल कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ करते हैं, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना प्ले स्टोर के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऐप है जो इंस्टॉल करवानी है जिसका नाम है स्किडिट। इसको आपको इंस्टॉल कराना है। 16.40 MB की ये ऐप है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये ऐप जो है इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको आगे क्या करना है। तो इस ऐप का इंस्टॉल हो चुकी है, ये इंस्टॉलिंग आ रहा है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओपन के ऊपर। ओपन जैसे ही होगी ये ऐप आपके सामने आएगा, ये वाला इंटरफेस। इसके ऊपर ये आपको साइन इन करने के लिए पूछ रहा है। साइन अप अगर आप चाहते हैं करना तो आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके आप इसके ऊपर साइन इन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके अलावा इसके अंदर फेसबुक के साथ भी आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है साइन इन करने की तो आप क्या करना चाहिए, आपको स्किप कर सकते हैं। आप इसको स्किप करने के लिए आपको जो नीचे दिया गया है इसकी जो टर्म्स कंडीशन है इसको आपको ओके करवाना है। देन इसके बाद आपको स्किप के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर व्हाट्सएप बिजनेस भी आपको दिया गया होगा अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो, या फिर आपके सामने जो आपने नॉर्मल व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ये एनेबल एक्सेसिबिलिटी से पूछेगा, इसको क्या करना है आपको दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको जाना है नीचे। नीचे जाने के बाद आपसे ये पूछेगा स्किडिट को परमिशन देने की, तो आपको क्या करना है इसको ऑन कर देना है और इसको ऑन करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप वापस से ऐप पर आएंगे। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करिएगा, कोई भी कॉन्टैक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कनेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप में जाने की परमिशन मांगेगा। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे जाइए। व्हाट्सएप पे जाने के बाद कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं नया कॉन्टैक्ट लेने के लिए, या फिर आप क्या करिए किसी भी जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसको सीधा सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैसेज टाइप करना है अपना, और यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी डालना चाहें तो आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई फोटो वीडियो जो भी आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, जो भी चीज़ें जाती हैं वो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया मिलेगा आपको शेड्यूल करने के लिए। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कैलेंडर मिल जाएगा उसके अंदर आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो 5 डेट मैंने जो है 5 जून सेलेक्ट की, ओके किया। उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप मान लीजिए 1 बजे का मैंने टाइम चूज़ किया। इसके बाद आप मिनट्स चूज़ करिए कि आपको कितनी मिनट पे ये मैसेज भेजना है। मैंने यहाँ पे 1:05 का मैसेज जो सॉरी टाइम है जो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्लिक करना ओके पर। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाहते हैं नीचे, इसके अलावा दोस्तों नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको रिपीट का। रिपीट का मतलब है कि आप ये मैसेज बार बार शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको टाइमिंग भी शो करा देगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे आस्क मी बिफोर सेंडिंग। अगर आप ये ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे तो इसका काम ये होगा कि आपको जिस टाइमिंग पे आपने जो शेड्यूलिंग मैसेज किया है उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले जाने से पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपसे पूछेगा कि आप सेंड करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आए तो आप इसको ऑन कर दीजिए, अगर नहीं चाहते तो आप इसको एज इट इज़ जैसे है ये इसको एज ए छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधा इस टिक के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि चेंज बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो जो है वो आप चेंज करें, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं कि बैटरी ज़्यादा ना खाए या कुछ भी है, अगर आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर दीजिए। ये शेड्यूल हो गया। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि व्हाट्सएप के अंदर आपके 2 मैसेज शेड्यूल है, मैंने एक ही किया है लेकिन ये पहले वाला जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहिए टेक व्लॉग मंत्रा के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।